हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेटेट पेपर वन का सिलेबस, कि क्या उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या उसमें सिलेबस होता है। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आपका जो प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। CDB की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो CDB की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने, आप किसी भी स्टेट से टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उससे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है CDP की, उस पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, तो वो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। और पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की भी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, और बहुत जल्द आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। तो ये आप लोगों का झारखंड टेट सिलेबस फॉर पेपर वन है। तो इसमें देखिए, जो आपके जो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपका रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स एंड EVS। और ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। इसमें आप देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है हमारा वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के अंदर जो जो चीज़ें आपको पढ़ने होते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, सेकेंड इज मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, इसके बाद है आपका थियोरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, नेक्स्ट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेसेस, इसके बाद है द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके बाद है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी, इसके बाद है मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड लर्न फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। और CDP का आप लोगों का लास्ट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है। इसके बाद आपका लैंग्वेज वन आ जाता है, लैंग्वेज वन के अंदर है आप लोगों का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें चॉइस मिलती है लैंग्वेज वन में आपको हिंदी इंग्लिश, या फिर हिंदी या इंग्लिश में, या फिर उर्दू या इंग्लिश में आप लोगों को चॉइस मिलती है कि आप लैंग्वेज वन क्या चूज़ करते हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्यूशन है, नेक्स्ट है इसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, नेक्स्ट है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, नेक्स्ट इज अनसीन प्रोज पैसेज, देन आपका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। और यहाँ पे अनसीन प्रोज पैसेज दोबारा से लिखा हुआ है, बेसिकली ये कि यहाँ पे अनसीन प्रोज पैसेज जो है वही आप लोगों को आता है, जिसमें अनसीन पैसेज आपको दिया गया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका लैंग्वेज टू है, लैंग्वेज टू आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो रहती है। और देखिए, इसके अंदर आपका जो है मोडाल्स हैं, मोडाल ऑक्सिलरीज, फ्रेजल्स, वर्ब्स, इडियम्स, लिटरेरी टर्म्स, नेक्स्ट है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अनसीन प्रोज पैसेज, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके बाद आपका मैथ्स आ जाता है। तो मैथ्स के अंदर जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, LCM एंड HCF, डिवीजन, वॉल्यूम, इसके बाद आपका नंबर्स है, फिर पैडागॉजिकल इश्यूज, डाटा हैंडलिंग, मेजरमेंट, वेट, टाइम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ज्योमेट्री पैटर्न्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, और ये सब आपका मैथ्स का है। और इसके बाद आपका EVS आ जाता है। तो EVS में जो टॉपिक्स हैं आपके वो हैं वाटर, क्लोथ्स, ड्रेसेस एंड देयर केयर, एयर, डे एंड नाइट्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड चेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और पंजाब, सोलर सिस्टम, बेसिक नीड्स, फूड रिसोर्स एंड केयर, आवर सराउंडिंग्स,
पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स है। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल्स, स्कूल, फैमिली एंड नेशनल। नेक्स्ट है आपका ग्रुप सॉन्ग्स। नेक्स्ट इसके बाद है हेल्थ, गुड हैबिट्स एंड पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट इसमें आता है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में रूरल एंड अर्बन दोनों का है। पॉल्यूशन है, कम्युनिटी बिल्डिंग्स, वेदर एंड क्लाइमेट, हैबिटेट्स टाइप्स, लुकिंग एट द ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, नेशनल प्रॉपर्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड और डिजीज। तो इस तरीके से ये पूरा आपका EVS का सिलेबस है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपके जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, तो उन सबका ये सिलेबस है। 5 सब्जेक्ट्स में आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है चाहे CDP है, CDP को हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकेंड आपका लैंग्वेज 1, फिर आपका लैंग्वेज 2 था, देन आपका मैथ्स एंड फिर EVS। तो ये सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है और इसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, CDP पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, पैडागोजी ऑफ हिंदी की भी बनाई है और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जल्दी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी होगी अगर आप साथ में बने रहेंगे तो। और लाइव सेशन को आप ज़रूर अटेंड कीजिए, 10 PM पे आप लोगों का लाइव सेशन होता है जिसमें मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाती हूँ आपके पेपर्स की, तो उससे आपकी भी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो अच्छी होगी। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आज का सेशन यहीं हुआ करती हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिकले थैंक यू, धन्यवाद।